सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी लेके आई हूँ। इसमें मैं एक ऐसी सामग्री घेरूंगी जिससे कि आपकी खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन के आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आइए साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में साबूदाना लिया है। इसे हमने 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। हमें इसमें इतना पानी डालना होता है कि ये साबूदाना अच्छे से भीग जाए, मतलब कि इसके लेवल का हमें पानी डालना होता है। और 3 घंटे बाद आप देखेंगे कि ऐसा खिला खिला एकदम आपका साबूदाना फूल के आ जाएगा। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए, इसमें हम थोड़ी सी मूँगफली डालते हैं और इसे मूंगफली को हम सेम गैस पे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि अंदर तक एकदम क्रिस्पी भून कर आए। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे चलाते रहते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लेते हैं। 3 घंटे के लिए आपको साबूदाना भिगोना है और आपको इतना पानी डालना है कि साबूदाना के बस लेवल तक वो भीग जाए। इससे आपका साबूदाना एकदम खिला हुआ बन के आता है, मतलब खिला हुआ जो है फूल के आता है। अभी हम इसमें एक चीज़ ऐसी डालेंगे जिससे आपका साबूदाना बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हमारी मूँगफली भून गई थी, हमने उसे एक बाउल में निकाल लिया। अब इसी गर्म ऑयल में हम डाल देंगे कट किए हुए आलू। कच्चे आलू लिए हमने, उसे कट करके इसमें डाल दिया है। इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, मीडियम गैस पे हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन, जैसे हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना हमें इसे चलाते हुए डीप फ्राई सा करना होता है। और फिर इन्हें भी एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो मूँगफली वाले बाउल में ही निकाल सकते हैं। उसके बाद उस बचे हुए ऑयल में हम थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा और बारीक कट की हुई हरी मिर्च इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद इन दोनों को थोड़ा होने देते हैं, मतलब ऐसे हल्का हल्का हल्की हल्की ये हो जाए। तो अब हमारा जो ये साबूदाना है भीगा हुआ जो एकदम फूल के आया है, ये इसमें हम डाल देते हैं। इसे डालने के बाद इसमें अब हम ही एक बार इसे मिक्स करते हैं ताकि जीरा हरी मिर्च इसमें थोड़ा मिक्स हो जाए, ऑयल वाली नीचे से चिपके नहीं एक बार मिक्स करने पे। फिर हम इसमें ये आलू और जो मूंगफली अभी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं ये जो हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है मूंगफली का पाउडर। इसे हमने मूंगफली को भून के इसको हमने पेस्ट बना लिया, मतलब एकदम मिक्सी के जार में इसे पीस लिया है। इससे हमारा ये मूंगफली का पाउडर बन जाता है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ये खाने में भी टेस्टी लगता है और ये जो जैसे कि कई बार होता है हम साबूदाना बनाते हैं तो हमारा ये मुँह में चिपकता है खाने में, वो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल खिला हुआ बन के आएगा। इसमें अब हम काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और सेंधा नमक डाल देते हैं। जैसे कि हम व्रत के लिए साबूदाना बना रहे हैं तो हम इसमें सेंधा नमक डालते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल मतलब व्रत में नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल डेली यूज़ में बना रहे हैं तो आप इसमें टमाटर का अगर प्रयोग करना चाहें, टमाटर यूज़ करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। जैसे हमारा साबूदाना अच्छे से बन गया, सब मिक्स हो गया है, इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। 1 स्पून डालते हैं, जैसे हमने टमाटर नहीं डाले तो उसकी जगह हम नींबू का रस डाल देते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे टेस्ट हमारा और अच्छा आ जाता है। और इसे एक बार मिक्स करते हैं, हमारा साबूदाना बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, साबूदाने की खिचड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट्स में लिख के बताएं आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। जाते जाते हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को करें प्रेस। धन्यवाद।